दिल्ली में और ऐतिहासिक नाटक तुगलक का मंचन 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसकी रिहर्सल्स फिलहाल चल रही हैं। हम दिखाते हैं आपको इसी की एक खास झलक। दुनिया को भूल कर फिर से वही नादान बचपन की खोई हुई खुशियों को हासिल किया जाए। शायद हम दौलत इल्म से महरूम होते जा रहे। ये तैयारियां हैं इतिहास दोहराने की। करीब चार दशक के बाद ऐतिहासिक नाटक तुगलक का फिरोजशाह कोटला में मंचन किया जाएगा। 1970 में पुराना किला में इस नाटक का मंचन किया गया था। नाटक के किरदार इन दिनों फिरोजशाह कोटला में रिहर्सल्स में जुटे हैं। अब शेक्सपियर के जमाने में शेक्सपियर के नाटकों के जो अर्थ उनके समय के दर्शकों के लिए रहे होंगे वो आज नहीं है। वो उन नाटकों ने अपने नए अर्थ ग्रहण कर लिए हैं। इसी तरह से तुगलक नाटक ने भी अब नए अर्थ ग्रहण कर लिए हैं। अब वही अर्थ नहीं है जैसे आज से 40 साल पहले रहे होंगे। दर्शकों ने जिस तरह से इसको देखा होगा अब दर्शक बदल गए हैं, समय बदल गया है। और अब नेचुरली हमारा जो प्रयोग है वो हमारे अपने समय के लिए है। इसमें आज का एक्टर है जो 70 के बाद युवा हुआ है। खूब सबक दिया आपने। 50 कलाकारों के अभिनय से सजा ये नाटक दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तुगलक के चुनौतीपूर्ण किरदार को मशहूर कलाकार यशपाल शर्मा निभा रहे हैं। तुगलक के सौतेली माँ के किरदार में मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी नजर आएंगी। आई थिंक दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ थिएटर हिस्ट्री। दिस इज समथिंग यूनिक। तो ऐसा है कि तुगलक जैसा रोल पता नहीं मैं आगे लाइफ में कभी कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है ही नहीं। फिरोजशाह कोटला में 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इस नाटक का मंचन किया जाएगा। रक्षा चौरसिया, दिल्ली आज तक।